तो आज फिर से खेलने वाले हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर 2023। तो गेम के अंदर आ चुके हैं और आज हम चैलेंज करने वाले हैं कि अपने शोरूम को पूरा एकदम भरने वाले हैं सुपर कार से। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे सुपर कार खरीद लिए हैं और कुछ खरीदना बाकी भी है। तो सबसे पहले इन सब कारों को सबसे पहले अंदर ले जाके बढ़िया से पार्क करना पड़ेगा। तो चलते हैं, ये सबसे पहले वाइट वाली को यहाँ पे अंदर लेके चलते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक सी लुक आ रहा है यहाँ पे कार का। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको अंदर लेके चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले काफ़ी सेफली लगाना होगा, क्योंकि अगर मतलब ज़्यादा ठुकेगी तो फिर ज़्यादा प्राइस यहाँ पे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे मतलब रिपेयरिंग का प्राइस बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बढ़िया से यहाँ पे बैक करके यहाँ पे लगा देते हैं, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं और यहाँ पे काफ़ी सेफली से यहाँ पे बैक करके यहाँ पे लगा दिया है वाइट वाली कार को। तो यहाँ पे दो कार तो हमारी काफ़ी बढ़िया लग चुकी है। तो अब चलते हैं अगले कार की तरफ, और अगला कार जो है ये ब्लैक वाली बुगाटी कार है। तो सबसे पहले चलते हैं इसको, बुगाटी कार को सबसे पहले पार्क करते हैं, और यहाँ पे अंदर आ चुके हैं और काफ़ी सेफली इसको भी पार्क करना पड़ेगा, और काफ़ी सेफली हमने पार्क कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा सीधा कर देते हैं इस कार को, और उसके बाद चलते हैं और अगली कार की तरफ। और अगली कार जो है इधर यहाँ पे फिर से एक वाइट वाली, वाइट ज़्यादा यहाँ पे कार खरीदे हैं मैंने। तो चलते हैं इसको अंदर लेके, और इसको भी अंदर लेके आ चुके हैं और काफ़ी सेफली इसको भी लगा दिया है। तो अब चलते हैं, ऐसे ही करके सारी कारों को यहाँ पे मेहनत तो आज करना ही पड़ेगा, क्योंकि भरना है पूरा एकदम शोरूम, खचाखच शोरूम भरना है सुपर कार से। तो सबसे पहले चलते हैं इसको मतलब पार्क करते हैं बढ़िया से, और यहाँ पे पार्क, यहाँ पे पांच गाड़ियाँ, तो पांच सुपर कार हमने पार्क कर दिया। तो अब चलते हैं जल्दी जल्दी यहाँ पे अगली कार कौन सी करे, यहाँ पे येलो नहीं वाइट वाली करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे पांचवी छठी कार ये है। तो सबसे पहले इसको बढ़िया से यहाँ पे पार्क करना पड़ेगा, और पार्क करते करते यहाँ पे रात भी हो चुका है। तो रात में सोच रहे हैं कि हाँ पूरा काम कर देते हैं, और दो ही कार बचा हुआ है, और यहाँ पे ये रेड कलर की सुपरा कार है। तो सबसे पहले इसको भी पार्क कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग सोने चलेंगे दोनों कारों को यहाँ पे पार्क करके। तो यहाँ पे सात कार कंप्लीट हो चुके हैं, पार्क हो चुके हैं, और लास्ट में यहाँ पे लैम्बोर्गिनी है, जो कि काफ़ी महंगी प्राइस में हम लोगों की पड़ी थी, 2 करोड़ की करीब की यहाँ पे पड़ी थी। तो सबसे पहले इसको काफ़ी सेफली यहाँ पे ले जाके लगाना होगा, और कल सुबह उठेंगे, और उसके बाद कल कार मार्केट भी खुला हुआ है, तो कल कार मार्केट भी जाएंगे सुपर कार लेने के लिए। तो यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे कार, यहाँ पे शोरूम हम लोगों का काफ़ी ख़तरनाक सा दिख रहा है। तो चलते हैं सबसे पहले सोने के लिए, तो यहाँ पे सोने के लिए आ चुके हैं, और यहाँ पे सोना स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं कब तक मॉर्निंग होता है, और फाइनली हम लोगों का मॉर्निंग हो चुका है, और मार्केट भी खुला हुआ है, और बाहर काफ़ी शानदार हम लोगों का व्यू लग रहा है, यहाँ पे शोरूम का व्यू काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है सुपर कार की वजह से। तो सबसे पहले चलते हैं कार मार्केट, और वहाँ से परचेज करेंगे कुछ कार, और उसके बाद फिर से लेके आएंगे यहाँ पे शोरूम पे। तो कार मार्केट हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे आने के बाद दो सुपर कार दिख रहे हैं, और यहाँ पे ये वाइट वाली ये देखते हैं, और यहाँ पे इसको परचेस हमने कर लिया, और ये बुगाटी कार है, तो बुगाटी कार को भी यहाँ पे परचेस कर लिया, और सबसे पहले इसको टो ट्रक करके यहाँ पे भेज देते हैं यहाँ पे सबसे पहले शोरूम पे। तो बुगाटी को तो हमने टो ट्रक करके भेज दिया, और इसको लेके चलते हैं चला के। तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, और काफ़ी खतरनाक सा ड्रिफ्ट मार रहा है, और यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे कार रिपेयरिंग शॉप, थोड़ा कलर चेंज करवाना था। तो सबसे पहले चलते हैं इनसे बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे रिपेयरिंग का कॉस्ट कितना पड़ता है, और रिपेयरिंग का कॉस्ट यहाँ पे 44,000 का पड़ रहा है इस कार में, और ये कलर काफ़ी यूनिक सा दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको परसेस मतलब पेंट करा लेते हैं, और उसके बाद शोरूम लेके चलते हैं अपनी कार को, और काफ़ी ख़तरनाक सी लुक आ रहा है इस कलर में। तो सबसे पहले लेके चलते हैं बैक करके, और काफ़ी सेफली लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ठुकी तो फिर से रिपेयरिंग का कॉस्ट बढ़ेगा। तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं कार शोरूम, तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और काफ़ी सेफली पार्क कर देते हैं, और उसके बाद बुगाटी को भी लेके जाएंगे, थोड़ा सा उसका भी कलर कराना है, क्योंकि ब्लैक हम लोग के पास दो बुगाटी हो जाएंगी, तो इसीलिए, और कोई यहाँ पे डब्बे से गाड़ी बेचने के लिए आया हुआ है तो खरीदेंगे नहीं। तो चलते हैं यहाँ पे बाहर, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रिपेयरिंग शॉप पे पहुँच चुके हैं, और इनसे बात करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा रिपेयरिंग भी करा लेते हैं, 2 लाख का 2.5 लाख के करीब का था, और यहाँ पे रेड कलर सही लग रहा है, तो रेड कलर हमने करवा लिया है। और चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे पार्क पे लगाएंगे, शोरूम के पार्किंग में यहाँ पे लगा देंगे इस कार को, और उसके बाद सारे कार को एकाएक करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे ऑनलाइन। तो काफ़ी सेफली लगाना पड़ेगा, क्योंकि
अगर ठुकी तो फिर से रिपेयरिंग का कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो काफ़ी सेफली हमने लगा दिया और काफ़ी ख़तरनाक से यहाँ पे शोरूम दिख रहा है। तो सबसे पहले अंदर चलते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर पे सबसे पहले इस सारी कारों को यहाँ पे ऑनलाइन मतलब अपलोड कर देते हैं परचेज के सेल के लिए। तो पहली कार जो है यहाँ पे 23 लाख की है जो मैकलेगन है। तो सबसे पहले इसका प्राइस सेट करते हैं, देखते हैं कितना प्राइस हो सकता है। और यहाँ पे 35 लाख यहाँ पे प्राइस सेट किया हमने और यहाँ पे सेल पे भी लगा दिया। और यहाँ पे एक टोयोटा की कार थी तो उसका 10 लाख यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पे एक और यहाँ पे कोई कार है सस्ती सी लेकिन उसको भी 6 लाख में यहाँ पे परचेज मतलब सेल पे लगा दिया। और यहाँ पे एक और दोनों मतलब सेम ही कार थी तो यहाँ पे एक 52 लाख की कार है तो इसको 80 लाख में बेचने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको सेल पे लगा देते हैं। और ये 45 लाख की कार है तो देखते हैं यहाँ पे इसको भी 80 लाख में बेचते हैं और बेनिफिट ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 लाख की है तो 8 लाख में बेचने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत सारी कार हैं हम लोगों के पास और ये सबसे महंगी कार है जो कि 1.5 करोड़ की करीब की है तो यहाँ पे 2 करोड़ में बेचने वाले हैं। और एक 6 लाख की कार है तो इसको कितना प्राइस करें और यहाँ पे 10 ही लाख करते हैं क्योंकि ऐसे भी 4 लाख बेनिफिट हो ही जाएगा। और यहाँ पे 44 लाख की है तो देखते हैं यहाँ पे 1 करोड़ यहाँ पे प्राइस सेट किया और सारी कारें यहाँ पे सेल पे लगा दिया है। तो चलते हैं बाहर देखते हैं कितने कस्टमर आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड हैं, देखते हैं यहाँ पे कितने कस्टमर। और यहाँ पे एकदम पूरा एकदम भर चुका है और यहाँ पे सेल यहाँ पे इनसे डील करते हैं। और यहाँ पे 41 लाख की कार थी और यहाँ पे 50 लाख हम मांग रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे मिलता है कि नहीं। और यहाँ पे पहला कार सेल होता हुआ और यहाँ पे एक सुप्रा कार है तो इनसे बात करते हैं, देखते हैं कितने में बिकती है। और यहाँ पे दूसरी कार भी सेल हो चुकी है और तीसरी कार यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे तीसरी कार हम लोगों की 5 लाख की थी और यहाँ पे 7.5 लाख में बेच दिया हमने। और ये 45 लाख की बुगाटी कार थी तो यहाँ से थोड़ा सा बार्गेन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे 48 लाख देते हैं या फिर नहीं देते। और यहाँ पे लगातार बहुत सारी कार हमने बेच दी है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो चुका है। और यहाँ पे ये 27 लाख की है मैकलेगन कार और इसको काफ़ी यूनिक कलर में यहाँ पे पेंटिंग कराया था, ये भी बिक चुकी है। और यहाँ पे हमारी 5 ही कार यहाँ पे बची हुई हैं तो इनसे बात करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे 5 लाख की करीब का ख़रीद के लेके आए थे, 7.5 भी नहीं दे रहे हैं ये लोग, थोड़ा सा और बार्गेन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना मिलता। और यहाँ पे कितना मांगे, 65 नहीं। और यहाँ पे बिक चुका है 6.5 लाख में और ये तो सस्ती सी कार है 50 हज़ार की। और यहाँ पे 60 हज़ार देने के लिए तैयार हैं लेकिन थोड़ा सा बढ़ाते हैं 70 हज़ार। और इसी के साथ बिक चुका है और यहाँ पे रात भी हो चुका है और सारे कस्टमर चले गए हैं घर। और यहाँ पे सुबह हो चुका है और कस्टमर भी आ चुके हैं और ये भाई साहब तो नाच रहे हैं, कार खरीदने के लिए आए। और इनसे बार्गेन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे 75 लाख और देने के लिए तैयार ही नहीं है, 72 लाख की से मतलब ये आगे बढ़ ही नहीं रहे। और इसी के साथ यहाँ पे ये भी कार सेल हो चुका है। और यहाँ पे एक और कार है तो ये हम लोगों ने 5 लाख की ख़रीद के लेके आए थे और ये भी बिक चुका है। और लास्ट कार जो कि यहाँ पे हम लोगों ने 1 करोड़ की ख़रीद के लेके आए थे, 1.39 करोड़ की, तो ये भी 2 करोड़ में बिक चुका है। तो यहीं पे ये वाला वीडियो एंड होता है।